मैं बिल्कुल जो है अभी वेलकम करूंगी पाकिस्तान फुटबॉल के कैप्टन को, हसन बशीर को हमारे साथ वो मौजूद हैं। हसन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू। सो हसन, सबसे पहले तो जो सारा फियास्को हुआ कल तक, जिस तरह टीम पहुंची, जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे सैफ चैंपियनशिप तक पहुंचने का जो सिलसिला रहा, कि लोगों को पता चले कि हाउ टफ इट वॉज फॉर यू गाइस। जी, इसके बारे में ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा कि सिलसिला क्या जारी था। देखें, पहली बात, आई डोंट वांट टू यूज इट एज एन लेकिन रेस्टिट्यूशन प्रिपरेशन स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वैसे हम पिछले 10 दिनों जस्ट स्टे कर रहे थे और वहाँ हमने 3 मैच और मैचेस हमें ये नहीं पता था कि हमें वीज़ा मिल रहा है या नहीं। ठीक, बात होती है फिजिकल एस्पेक्ट, लेकिन मेन फैक्टर जो उसका वो भी मतलब कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके हमारे लिए देखें, हमें ये नहीं पता था इंडिया जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं फैमिली के पास वगैरह, नहीं पता। अनटिल लास्ट डे हमें पता गया था कि हम घर जा रहे हैं, इंडिया ने वीज़ा हमारे लिए अप्रूव। तो अनटिल लास्ट नाइट बिफोर हमारा ये था कि चलो पैकिंग करो घर जा रहे हैं। फिर लड़कों ने, कोचेस ने वगैरह ने फैमिली को मैसेज कर दी कि देखो हम घर आ रहे हैं, तैयारियाँ कर लें। लेकिन नेक्स्ट डे हम जी हसन थोड़ी सी आवाज आपकी ब्रेक कर रही है। अच्छा, मतलब कि साफ ने फिर थोड़ा प्रेशर डाला इंडियन को के करें प्लीज। और लास्ट नाइट हमें मिला है, वो मंडे था, हमने वेडनेसडे को मैच खेलना था। ट्यूसडे मॉर्निंग सॉरी हम निकले हैं 12 बजे मॉरिशस से, तकरीबन 2 घंटे एयरपोर्ट तक लगे हैं बस में, बाद हमने किया मुंबई तक। मुंबई में इमिग्रेशन ने काफ़ी मतलब कि हमें तंग किया था, एक फॉर्म फिल करो दूसरा फॉर्म फिल करो, यहाँ जाओ इसका वगैरह। जैसे देखो हमें थोड़ा अंदाज़ा था पहले कि ऐसा होगा, लेकिन वैसा ही हुआ। फिर हमने एक बेंगलोर तक मतलब के पिक करने, 8 प्लेयर्स एंड 2 ऑफिशियल को मतलब के जी 8 प्लेयर्स 2 ऑफिशियल शाम को वो तकरीबन अनकरीब 2 होटल और 5 बाद हमारा मैच था। तो हमारा मतलब के जी थोड़ी सी कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है हसन, आई कांट हेयर यू प्रॉपरली। मुझे अभी तक ये समझ आया है कि 2 ऑफिशियल्स और 7 प्लेयर्स को जो है वो 2 बजे पहुंचे और 5 बजे आप लोगों का मैच था। फर्दर ऑन अगर आप कंटिन्यू कर सकें, इफ यू कैन हियर मी। कट कट के आपकी आवाज आ रही है, मैंने कोशिश की है कहने के लिए जो आया फिर हमें। हसन आपको रीकनेक्ट करते हैं आपके साथ जो है ना रीकनेक्ट, और ये क्योंकि ये जो सिनेरियो है, ये जो बैकग्राउंड है, आई नो इसको एक्सक्यूज की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज ये कोताही अब हुई और हो गई। NOCs डिले हुई, NOC डिले पहुंची, कल उमैद वसीम हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने एक पूरा सिनेरियो बताया कि इट इज़ नॉट जस्ट सैफ्स प्रॉब्लम या उनकी सिर्फ एक गलती नहीं थी, इट वाज नॉट देयर मिस्टेक ओनली, हमारी तरफ से भी डिले हुआ, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से भी डिले हुआ, मगर एट द एंड ऑफ द डे सफ़र सिर्फ हमारे प्लेयर्स ने किया, हु आर रेडी टू प्ले ऑन 11th आवर एज वेल। सो जो 11th आवर उन्होंने बताया कि 2 बजे जो है वो पूरी टीम एक साथ होटल में गैदर हुई है और 5 बजे वहाँ के वक्त के हिसाब से जो है वो मैच खेला जाना था। सो ऑब्वियसली ये सारी इश्यूज तो बीच में आए, बट देन जहाँ हम बात करते हैं स्किल लेवल की, वी नो दैट कि पाकिस्तान जो है वो जिस टर्मोइल से गुजरा है पाकिस्तान फुटबॉल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2 दफ़ा फीफा का बैन लग चुका है पाकिस्तान पे, 1 दफ़ा पहले लगा था, फिर वो बैन हटा, फिर उसके बाद फीफा वॉज नॉट सेटिस्फाइड, फिर बैन लग गया। राइट नाउ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इट इज़ रन बाय अ नॉर्मलाइजेशन कमेटी, यानी द थिंग्स आर नॉट नॉर्मल राइट नाउ। एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा को डालनी पड़ी हमारे ऊपर कि ये सारा प्रोसेस पूरा हो, इलेक्शंस हो, और उसके बाद इसमें जो हमारी टीम है उसमें काफ़ी प्लेयर्स ओवरसीज प्लेयर्स हैं, कितना इनको टाइम मिलता है जेलन होने का, कितना ये साथ खेलते हैं, हाउ इन द वर्ल्ड कैन वी एक्सपेक्ट देम टू चैलेंज अ टीम जो कि
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा कर रही है। टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया में जो है वो फुटबॉल लीग है, उस फुटबॉल लीग के उसमें भी खेलते हैं लड़के, वहाँ का भी एक्सपोजर मिलता है। आप रैंकिंग की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उस रैंकिंग में भी तकरीबन 100 का डिफरेंस है रैंकिंग में, जब पाकिस्तान फुटबॉल टीम और भारत की फुटबॉल टीम की बात करें। देन हम जब सुनील छेत्री की बात करते हैं, दी हैट्रिक गोल स्कोरर, सो ही हैज़ स्कोर्ड 90 गोल्स नाउ, वर्ल्ड टैली में उनका नाम आ गया है और वो चौथे नंबर पे, यानी ही हैज़ ज्वाइन द ग्रुप ऑफ रोनाल्डो एंड मेसी। तो जहां आपके पास अगर एक इंडिविजुअल प्लेयर भी इतना अच्छा, वो आपके साथ अगर आपके कैंप में भी है, वो आपके साथ ड्रेसिंग रूम में भी है, सो नथिंग बेटर देन दैट। एंड देन स्टीमाक के आने से भी बहुत फ़र्क पड़ा है टीम इंडिया को, यू हैव सीन देम प्रोग्रेसिंग वेल। हम इन इश्यूज़ में अभी तक घिरे हुए हैं, जिस तरह हम थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट के इश्यूज़ की बात कर रहे थे, ये इश्यूज़ ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स को इम्पैक्ट नहीं करते, प्लेयर्स को इफेक्ट नहीं करते। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान फुटबॉल में सबसे बड़ा मसला ये था, दो फेडरेशन आपस में लड़ रही थी, एक फुटबॉलर कहीं और से खेल लेता था तो वो एक दूसरी फेडरेशन उसको जो है डिस्कार्ड कर देती थी, बैन कर देती थी, एक जो प्लेयर है वो दूसरी फेडरेशन से खेल लेता था तो दूसरी फेडरेशन, पहली फेडरेशन जो थी वो उसको डिस्कार्ड कर देती थी। सो इट हैज़ बीन अ टोटल कियोस, और अगर उस कियोस में जाके भी जिस तरह मॉरिशस में हमारी टीम ने परफॉर्म किया, इट वाज कमेंडेबल, जिस तरह कीनिया को टफ टाइम दिया, ये वही कीनिया थी जिससे हम 8-0 हारे थे और अब उस कीनिया से हम 1-0 हारे। सो मुझे ये लगता है कि बिफोर क्रिटिसाइजिंग वी शुड नो द बैकग्राउंड एंड वी शुड नो द चैलेंजेस जिससे ये लड़के गुजरते हैं। और फर्दर ऑन मैं चाहूँगी कि हमारे जो फुटबॉल एनालिस्ट हैं जिनको मैं ऐड अप कर रही हूँ अब अपने शो में, वो भी आगे जो है इस पर बात कर सकें, कहाँ थे, क्या मसले थे, क्या डिफरेंस था। सो हमें अब ज्वाइन करेंगे अब्दुल मुईद, इज़ अ फुटबॉल एनालिस्ट, काफ़ी कड़ी नज़र रखते हैं जनरली वर्ल्ड फुटबॉल पर भी, मगर पाकिस्तान फुटबॉल पर भी कड़ी नज़र रखते हैं। अब्दुल अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुईद, वेलकम टू द शो। बिल्कुल जी, आई एम डूइंग फाइन मुईद, मगर मुझे जो है ना बड़ा अभी लोगों के रिएक्शन देखकर बड़ा अफसोस है कि हम मतलब वो कहते हैं ना कि अचानक से बस हम देखते हैं जी पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है, हमारी टीम ने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, बट ओवर द ईयर पाकिस्तान फुटबॉल के साथ क्या क्या हो रहा होता है, नो वन केयर्स अबाउट दैट। सो मुझे तो बड़ा अफसोस है इन सारी स्टेटमेंट्स और जिस तरह ये ट्विटर पर ये सब चल रहा है, हमारे प्लेयर्स को बैश किया जा रहा है। मुईद, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Actually, we are being a little harsh on the players at the moment because hamare players for the first time ek itne bade stage pe after a very long time they are playing India aur hame bhulna nahi chahiye, we are just a developing nation in football as well. Kafi time baad FIFA ne hamare upar se restrictions uthai, we are developing, aisa time lagta hai aur cheeze develop hoti hain. At the moment, you know, India is far better than us when it comes to football. They play, unke paas commercial franchises hain, they play a lot of big role in, you know, developing football. Uske alawa jo hai, they have huge investors investing in football, their federation is doing well. Sunil Chetri is one of the highest on the yes awaaz aa rahi hai? ji bilkul ji Mohit, hello, sorry. So Sunil Chetri is one of the highest, you know, goal scorers in the world of football, not only for India but all around the world. Aur wo raat ko hame nazar aaya bilkul jis tarah aapne dekha, his composure, his experience on the field jo Pakistan mein nahi nazar aaya, they couldn't, you know, get over their nerves. And the way pehla goal jis tarah khaya, the keeper's mistake, yes. You know, overall it was not a good show for the Pakistani team. बिल्कुल, मैं अगर मेजरली देखें, डिफरेंस तो बहुत है, हमें ये पता है, हम रैंकिंग पे भी देखते हैं, दो के कहा जो मैनेजर हैं टीम इंडिया के, उन्होंने कहा ये बात कि जी रैंकिंग पे फ़र्क नहीं पड़ता, काफ़ी ओवरसीज़ प्लेयर्स जो हैं वो साथ मौजूद हैं। इवन देन कौन का फ़र्क है रैंकिंग का, ऑलमोस्ट 100 रैंक्स का ऊपर नीचे फ़र्क है। सो जाहिर सी बात है ये डिफरेंस तो हमें दिखना था। बट मुईद, आई विल कम बैक टू यू बिकॉज हसन बशीर इज़ विद अस, उन्होंने हमें अभी ज्वाइन इन फिर से किया है। सो हसन जी, तो फिर हसन अब हम फील्ड पे आ जाते हैं, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द फील्ड, बिकॉज थोड़ा सा ऐसा लगा कि कोई प्लान नहीं दिखा पाकिस्तान टीम की तरफ से, क्या प्लान नहीं दिखा, या वो कहते हैं कि
एक होता है ना कि प्रेशर सिचुएशन आती है जहां पे अब ये टीम पहली दफा गैदर होकर इतने सालों बाद खेल रही थी, मे बी दैट वॉज समथिंग जिसने पुश बैक किया. मैं आपको क्लियर कट बता देता था, लेकिन फुटबॉल यू नो इट्स अबाउट मेनी फैक्टर्स, प्रिपरेशन इज वन ऑफ देम. यू हैव टू लुक एट द डेवलपमेंट इन इंडिया फुटबॉल एंड पाकिस्तान फुटबॉल. इट्स इन टू डिफरेंट पाथ्स अप एंड पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान हर वक्त दो दफा मेरे टाइम में हुआ कि ये फीफा बैन लगी है, तो जब बंदा फिर शुरू करता है मैं सिर से शुरू करता है जी. और ये जो ब्रेक्स आते हैं ना ये फुटबॉल को देते हैं. तो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दो बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पे है. इंडिया इज गोइंग अप, टॉप में जा रहा है, और पाकिस्तान मतलब कि स्ट्रगल कर रहा है, दोबारा एक बार फिर शुरू कर रहा है. अगर आप इंडियन प्लेयर्स को देखें वो इंडियन लीग में खेल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान में नहीं, सीधी बात है जो. तो ये बहुत डिफरेंट है, तो फैक्टर्स बहुत हैं. लेकिन अगर बंदील की बात करें, इंडिया हैड सम गर्ल्स, दे हैव गुड गेम प्लान, वी हैड आवर एंड हमारा के वी हैव टू स्टे लो ऑन द फील्ड एंड डू ऑन काउंटर अटैक्स, बिकॉज वी हैव टू लुक एट क्वालिटी, योर लिमिटेड, योर अपॉर्चुनिटीज. You have to, you know, put all in one ball and then make the game plan. So we had a game plan. But it didn't work out, so.